समाजवादी पार्टी में घमासान, राम मंदिर के नाम पर हुए दो फाड़, लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा खेला, अखिलेश को लगेगा झटका क्योंकि भिड़ गए आपस में बड़े सपाई नेता। भगवान राम के नाम पर यूपी में इंडी गठबंधन की रार भी आई सामने, कांग्रेस का साइकिल वालों को अल्टीमेटम, स्वामी प्रसाद डुबाएंगे सपा की नैया, अब क्या करेंगे अखिलेश भैया। वो कहावत है कि जहां राम का नाम होता है वहां सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जहां राम का विरोध होता है वहां कुछ भी ठीक नहीं होता। यही कहावत उत्तर प्रदेश में चरितार्थ होती दिख रही है, जहां अखिलेश यादव राम नाम पर सवाल उठाते हैं वहां आप उनके आंगन में ऐसी कथा मची है कि विचार अखिलेश भैया का जीना दोबार हो गया है। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में दो फाड़ होने वाले हैं। लगातार सपा को छटके पर छटका लगते जा रहा है। अभी तो जैन चौधरी का छटका भी पूरी तरह से लगा नहीं था कि अब पार्टी के ही नेताओं ने दो फाड़ के संदेश दे दिए हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन के बड़े भाई की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने भी अखिलेश को आंखें दिखा दी हैं। इतनी परेशानियां शायद अखिलेश के लिए कुछ कम थी, जो यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने भी सपा पर प्रहार कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि मानो साइकिल में पंचर होने वाला है। तो आखिरकार कैसे अखिलेश के आंगन में घमासान मचा हुआ है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अखिलेश और समाजवादी पार्टी का राम नाम से और राम मंदिर से कितना प्रेम रहा है इसका तो इतिहास गवाह है, क्योंकि राम भक्तों के साथ बर्बरता करने में अखिलेश यादव के पुरखों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब जब राम मंदिर बन गया है तब अखिलेश यादव अपनी पंचर छाप विचारधारा को दिखाने में बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे हैं। लेकिन अब राम का विरोध करना इतना आसान नहीं रह गया, ये बात उन्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि अखिलेश यादव की ही पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं। एक तरफ तो अखिलेश की शह पर इधर उधर की बकवास बात करने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। उसका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा तो मर्दों की जाती है। इसके अलावा कई बार और वो भगवान राम को लेकर अमर्यादित भाषा का उपयोग कर चुके हैं। लेकिन अब सपा विधायक मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद को उसकी औकात बताई है। मनोज पांडे ने ऐसा कुछ बोला है कि ऊपर बोले स्वामी प्रसाद को दिन में तारे नजर आ गए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी में अपना अलग गुरुत्व वाले मनोज पांडे ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि खराब हो चुकी है, उन्हें मानसिक इलाज की आवश्यकता है और इसलिए वो भगवान श्री राम को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सपा नेताओं के आपस में एक दूसरे पर इस तरह के बयान देने के बाद राजनीतिक गलियों में क्या चर्चा चलने लगी है कि अब सपा में दो फाड़ हो चुके हैं और इन चीजों को और भी हवा दे दी है। कांग्रेस ने दरअसल कांग्रेस नेत्री आराधना मिश्रा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आधे हाथों लेते हुए कहा है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक किसी भी इंसान को नहीं है और जब मौका मिलेगा तो हम भी राम मंदिर जाएंगे। यानी कि यहां साफ हो गया है कि आखिर अखिलेश यादव अपने नेताओं पर लगाम खींच नहीं सकते तो उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा। वहीं इन सब के बाद बीजेपी के सहयोगी और सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर प्रहार कर दिया है। राजभर का कहना है कि कोई भी नेता बिना अखिलेश की मर्जी के इस तरह के बकवास बयानबाजी नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी में चल रहा घमासान अब सपा को तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि सपा में दो गुट हो चुके हैं, उनमें से एक गुट बीजेपी की विचारधारा वाला है और वो बीजेपी के साथ रहेगा। हाल के अभी दूसरी तरफ रालोद को लेकर भी यही खबरें चल रही हैं कि अखिलेश का अपने नेताओं पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसी वजह से जयंत चौधरी भी सपा का साथ छोड़कर कमल थामने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या सपा नेताओं की ऐसी हरकतों के बाद समाजवादी पार्टी टुकड़ों में बिखर जाएगी और उसका एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ चला जाएगा? सपा के इन कारगुजारियों पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।